नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, न्यूज़ ऐसी है कि आप सब लोगों को इस न्यूज़ का ध्यान रखना है और आगे से आगे भाई वीडियो शेयर कर दीजिए। ये किसी के भी साथ हो सकता है और अगर हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बात करेंगे जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए और वो इंडिया लोग आना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के 17 जुलाई को 30 बंदे एक साथ फंस गए। जी हाँ, टोटल राजस्थान बंदे थे, राजस्थानी और दुबई से इंडिया आ रहे थे। 17 जुलाई की उनकी फ्लाइट थी, वो भी चार्टर फ्लाइट। जी हाँ, प्राइवेट फ्लाइट को शेयरिंग में लेके राजस्थान आना था। 30 बंदों को वहीं स्टॉप कर लिया गया एयरपोर्ट के अंदर। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो मैं बता दूं साथियों कि देखिए, 17 जुलाई को लगभग 170 के करीब फ्लाइट लोगों की फ़्लाइट थी। ये बाकायदा न्यूज़ है, उसका शेयर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बातें। उनमें से 30 बंदों को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। जी हाँ, उनकी डॉक्यूमेंट जांच किए तो उनमें पाया गया कि भाई इनका फाइन, जी हाँ फाइन की वजह से इनको 30 लोगों को रोका गया। फाइन पता कितना है, प्रत्येक बंदे का 10,000 दराम से 11,000 दराम के बीच में फाइन था। जी हाँ, अब इतना फाइन कैसे लगा, कैसे नहीं लगा, फाइन माफ़ क्यों नहीं हुआ, जबकि गवर्नमेंट तो बोलती है कि मार्च वाले उससे पहले जाने वालों को फाइन माफ़ है। चार दिन तक मैं बता दूं 30 आदमी एयरपोर्ट पे फंसे रहे। इमिग्रेशन ने रोक लिया, फिर उनको बाहर निकलने नहीं दिया, 4 दिन तक एयरपोर्ट पे रुके रहे। वो तो कंपनी ने उनको, कंपनी की चालाकी देखिए, उन्होंने बताया कि हमारी 5 महीने से 7 महीने तक की तनख्वाह हमें नहीं मिली, बदले में कंपनी ने हमें टिकट दी, ठीक, और 100-100 दराम उनको पकड़ा दिया, जिससे वो 4 दिन एयरपोर्ट पे रुके, उनसे खाने की व्यवस्था हो गई। 4 दिन के बाद में उन्होंने इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, दुबई में, उन तब इंडियन एम्बेसी वहाँ पर आई, फिर उनको उनके कंपनी से बात करी, तब जाके उनका समाधान क्या हुआ, उनको रिटर्न किया गया। जी हाँ, बंदों ने जाने से मना कर दिया कि हम वहाँ क्या करेंगे जाके, हमारे वहाँ रूम नहीं है, हमारे पास खाना पीना नहीं है, जो सामान बचा था हमने पड़ोसियों को दे दिया कि भाई हम तो इंडिया जा रहे हैं, सामान बचा इसका क्या करेंगे, तो पड़ोसियों को दे दिया। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आप हमारे पास चलिए वापस, क्योंकि उनका अबू धाबी में कार्यालय बता रहे थे। और लेकिन वीज़ा की मेन बात यह कि फाइन, ये फाइन का क्या फंडा है, अब इसमें ये डिटेल से बातें नहीं बताई गई, मेरे पास जो न्यूज़ है वो डिटेल से नहीं आई कि फाइन किस चीज़ का बाकी था, जबकि वो इलीगल हो गए थे। जी हाँ, ये लगभग 10-11 महीने से इलीगल थे, उनका फाइन है। अब इलीगल थे तो सोचने की बात है कि 17 अगस्त तक अगर निकलते हो, 1 मार्च पहले वीज़ा एक्सपायर हुए वो, तो उनका तो फाइन लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कमी रही कंपनी की। जी हाँ, कंपनी ने उनके लीगल डॉक्यूमेंट थे, इतने इतने बंदे भाई, फाइन माफ़ होता है एक बंदे का 10,000 दुबई दराम, आप समझ सकते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट तो पेश करने पड़ेंगे। कंपनी ने गलती से डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए जहाँ पे इनके फाइन माफ़ होना था। तो भाई आपको पता है, अगर डॉक्यूमेंट को जरूरी खाना पूर्ति नहीं हुई, बंदे सीधे इलीगल थे, एयरपोर्ट पे जाके पहुँच गए ऐन वक्त पे, तो रुक नहीं थे, ठीक है, कंपनी ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, इमिग्रेशन ने रोक लिया, फिर वो 4 दिन वहाँ बैठे रहे, फिर कंपनी ने रिक्वेस्ट करके उनको वापस अपने स्थान पे लेके गए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करी, उनको रहने की व्यवस्था करी, फिर कंपनी ने बोला कि वो उनकी गलती ये रही कि वो जो डॉक्यूमेंट पेश करने थे, जिनसे उनका जो जुर्माना माफ़ होने वाला था, वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुए, इस वजह से उनका जुर्माना माफ़ नहीं हुआ और उनको रोकना पड़ा, टिकट के पैसे गए, बेचारे कितने दिन से परेशान हुए। और कंपनी ने ये बताया कि भाई हमारे पास जो प्रोजेक्ट था वो COVID-19 की वजह से फेल हो गया, हमारे पास कुछ काम हुआ नहीं, तो इनका जो वीज़ा प्रोसेस था वो हम नहीं करवा सके, इलीगल हो गए। फिर भी चलो सरकार अच्छी है कि भाई उन्होंने फाइन माफ़ कर दिया, फिर भी कंपनी ने लापरवाही करते हुए, बता दूं आपको, उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट पेश करने थे फाइन माफ़ी के लिए, वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए, क्योंकि वो कंपनी में आए थे, कंपनी में वीज़ा एक्सपायर हुआ था, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आप आ रहे हैं 17 अगस्त तक, बहुत सारी दुनिया आएगी, आप भी दुबई में हो, आप भी इंडिया पहुंचोगे, आपके साथ ऐसी घटना ना हो जाए भाई, पहले पुख्ता करके तैयारी करके फिर एयरपोर्ट पहुंचे, वरना जो ये 30 लोग हुए हैं इनके साथ अगर आपके साथ हो गया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो फ्लाइटें नहीं है राजस्थान के लिए, बहुत कम फ्लाइटें दुबई के लिए, इंडिया के लिए आ रही हैं, 80-90% फ्लाइटें उधर कोचिकोड़े, उधर ही सबके आपको पता है चेन्नई केरला जा रही हैं, और एक फ्लाइट मुश्किल से मिलती है और उसमें भी आपका कैंसिल हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इलीगल हैं, कंपनी के थ्रू आप आ रहे हैं, डायरेक्ट हैं, पहले वो काम फाइन माफ़ी वाला कर लें, वो क्लियरेंस होने के बाद एयरपोर्ट पहुंचें, ताकि आपको दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।